आज हम बना रहे हैं दम का कीमा। आज हम बना रहे हैं दम का कीमा। हम इसके लिए हम कैसे बनाते हैं हम बताते हैं। पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। जैसा आप ऑयल ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम। हमने तो दो बड़े चम्मच लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम, हमने प्याज को पहले ही काट लिया है, तीन डली प्याज है हमारी, तीन हमने अच्छे से काट लिया। हम इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। हमने सेमे को पहले से ही धोकर रख लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके बाद में हम डालेंगे जो हमने धोकर पहले से ही रख लिया था कीमा, हम वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, प्याज का कलर अच्छे से आ गया है। अब हम इसमें अब जो कीमा हमने धोकर रख लिया है पहले से ही, अब वो सेमे को हम इसमें शामिल कर देंगे। और जब तक भूनेंगे कि जब तक सीमे का पानी जज्ब ना हो जाए, जब तक हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए हम इसे फ्लेम को हम सिम पे कर देंगे और अच्छे से हम ये भून लेंगे। और इसके बाद में हम इसका ढक्कन ढाक के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जो पानी जो सीमे का पानी है वो पूरा सूख जाना चाहिए और इसी में ही सीमा गल जाना चाहिए। अब हम इसको ढककर रख देंगे। देखिए अच्छा कीमा हमारा जो पानी है वो पूरा सूख गया है और कीमा भी अच्छी तरह से भुना गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, नमक थोड़ा ही डाल रहे हैं हम, ये ज़्यादा हो जाएगा तो परेशानी होगी। लाल मिर्च पाउडर हमें 1 ही चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं तो मर्जी आप। धनिया पाउडर भी हम 1 चाय का चम्मच डाल रहे हैं। इस सब मसालों को अच्छे से अब भून लेंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसमें इसी के पानी में हमने सेमे को गला लिया है। हम फ्लेम को लो पे कर लेते हैं और अच्छे से मसालों को भून, लीड लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च जो हमने पहले से काट कर रख ली है, छोटी छोटी हरी मिर्चें। अब हम इसमें डाल देंगे, आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते, तीखा जैसा आप खाएंगे वही हिसाब से आप डाल लीजिए। हमने 4 से 5 हरी मिर्च को इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर धनिया के पत्ते, जो हमने पहले से काट के रख ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च जो हमने पहले से काट कर रख ली है, छोटी छोटी हरी मिर्चें। अब हम इसमें डाल देंगे, अब जितनी चाहे उतनी डाल सकते, तीखा जैसा आप खाएंगे वही हिसाब से आप डाल लीजिए। हमने 4 से 5 हरी मिर्च को इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने पहले से काट के रख, डालेंगे इसमें धनिया के पत्ते और थोड़ी मेथी की हर, हम थोड़ी मेथी भी डाल रहे हैं इसमें। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा दमदार कीमा रेडी है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में बहुत टेस्टी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइए, खाइए और हमें कमेंट्स कीजिए कि इसमें क्या कमी रही गई है। ये हमारा कीमा रेडी है। आप लोग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।